मॉर्निंग क्लास फोर्थ बेटा, ये आपका थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का, पेज नंबर 84 पे। लिक्विड्स, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स एंड आर फ्री टू मूव अबाउट। बेटा, लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जैसे कि सॉलिड में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं और वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। देयरफॉर लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसीलिए लिक्विड्स में कुछ ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अ लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। बेटा, एक जो लिक्विड है उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, मीन्स फिक्स नहीं होती है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज फिल्ड इन। बेटा, ये जिस कंटेनर में भी रखा जाता है ये उसी की शेप ले लेता है, जैसे कि वाटर। वाटर अगर आप ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास की शेप, ग्लास का आकार ले लेगा। अगर आप उसको बोल में रखोगे तो वो बोल का आकार ले लेगा। इफ अ लिक्विड इज पोर्ड ऑन द ग्राउंड इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। अगर जैसे लिक्विड है अगर वो ज़मीन पर फैल जाता है तो क्या होता है कि वो जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ नहीं प्रेजेंट होता है उसमें वो फ्लो करने लगता है। When a liquid is poured from one container to another, its volume does not change. बेटा, जब आप एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है, मतलब जितनी जगह उसने पहले कंटेनर में कवर की होती है उतना ही वो दूसरे में भी कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लीटर ऑफ मिल्क वेदर इट इज़ फिल्ड इन अ बॉटल और अ सैशे रिमेन्स 1 लीटर। जैसे कि बेटा, अगर आपने 1 लीटर मिल्क लिया है तो आप उसे अगर किसी बॉटल में रखोगे वो तब भी 1 लीटर रहेगा, अगर आप उसे किसी सैशे या फिर पैकेट में रख दोगे वो तब भी 1 लीटर ही रहेगा, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आपकी हैं गैसेस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। बेटा, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। देयरफॉर गैसेस हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, इसलिए गैसेस में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं, मीन्स उनका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। दे स्प्रेड इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस एंड दस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। और बेटा, जितना भी स्पेस वहाँ पर प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा कवर कर लेंगे, मीन्स अगर आप छोटी सी बॉटल में रखोगे तो वो बॉटल का स्पेस ले लेंगे, अगर आप उसे रूम में फैला दोगे तो वो पूरे के पूरे रूम का स्पेस कवर अप कर लेंगी। तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। इफ अ गैस विच इज फिल्ड इन 1 लीटर बॉटल इज filled in a 2-liter bottle and its mouth closed, the gas spreads in the bottle and the occupies the entire space inside it. बेटा, जैसे कि अगर एक गैस को आप एक 1 लीटर बॉटल में रखोगे तो वो पूरी फिल कर लेगी, फिर अगर आप उसको किसी 2-liter बॉटल में रखोगे वो तब भी फिल कर लेगी। ठीक है, अगर आपने उसका माउथ क्लोज किया है, द गैस स्प्रेड्स इन द बॉटल एंड ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस। वही बात है कि अगर आप किसी 1 लीटर बॉटल को किसी 2 लीटर बॉटल में रखोगे और उसका जो माउथ है वो क्लोज कर दोगे तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम कवर अप कर लेगी, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर से 2 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ अ गैस इज अलाउड टू स्प्रेड इन एन ओपन स्पेस इट मिक्स विद द एयर, तो अगर किसी गैस को आप ओपन स्पेस में मिक्स करने के लिए छोड़ दोगे तो वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस में जितना आपको बताया गया है उतना आप रीड करेंगे होमवर्क में। ओके, थैंक यू क्लास।